हेलो एवरीवन, मनोज सिंह, सौम्या सिंह, मोहम्मद तारिक, नीलेश भाई यादव, मनोज सिंह अगेन, सैफ अंसारी, आरती पांडे, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? मैं काफी ज्यादा लोगों को यहाँ देखना चाह रहा हूं। मैं कर क्या रहे हो, शोर तो मचाए हो नहीं, और आप पढ़ने के लिए रेडी हो गए? पढ़ने से पहले शोर मचाना जरूरी है, समझ रहे हो? चलिए, सुचेता महाराणा गुड इवनिंग, करण हीरो गुड इवनिंग, सैफ हेलो, सोनू राज, सौम्या सिंह, अभिषेक, दीक्षा, करण हीरो, डॉक्टर जय, आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिर से मैं बता दूं, बहुत बहुत ज्यादा। जिस रिएक्शन को पूरे पी ब्लॉक में लोगों को डर लगता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, आज आप उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगे। करण हीरो, मोहम्मद तारिक, सूर्यकांत, सोनू राज, यार कर क्या रहे हो, शोर मचाते नहीं हो आप। यस, राज चंचल, मोहम्मद तारिक, विकल्प, एवरीबॉडी, सब लोग बढ़िया मजे में हैं, बढ़िया मजे में सब लोग चल रहे हैं, वेरी गुड। शोभदीप, डॉक्टर जे, रिदा खान, करण हीरो, यार जल्दी 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 जल्दी, यहां पे क्या है ना, स्प्रेड द नॉलेज। एज आई सेड, एनर्जी भाई साहब पूरे यूनिवर्स की कंजर्व है। ये बड़े बड़े ने कह के चले गए, और जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट वो भी वही कहते हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड। आप नॉलेज स्प्रेड करने में अपनी एनर्जी खर्च करिए, कोई और ऊपर से आपके लिए एनर्जी आएगी, और जो ऊपर वाली एनर्जी, जो ऊपर वाला देगा ना, समझ लो कितनी बड़ी एनर्जी होती है। सो हर छोटे छोटे चीजों में आप दो लोगों की हेल्प करना चालू करिए, एनर्जी आप अपनी खर्च करिए, कोई बड़े एनर्जी आने दीजिए आपके पास, ठीक है? सो बी काइंड एवरीवन, एंड कैरियर पॉइंट को जरूर आप लोग देखें, क्योंकि इसको देखने से दो फायदे होंगे, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और दूसरा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ट्रैफिक में फंसे हो? ओके ओके ओके, ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। चलिए, शुभम भारद्वाज, आईआईटी दिल्ली, लव फ्रॉम वाराणसी, वेरी वेरी लव फ्रॉम कोटा टू, आपको भी, दिनेश चंद्र, गौरव सरकार, यार जल्दी से लोगों को बुलाओ फिर मैं स्टार्ट करूं। और एक बात बता दूं, आज का टारगेट है अपना 210 लाइक्स। आज का लाइक का टारगेट कितना है? 210 लाइक्स। और जो लोग यहां देख रहे हैं उसको शेयर जरूर कर दें, फॉर अस, फॉर द टीम जो इतनी मेहनत करती है, ठीक है? चलिए, सो आज का टारगेट भूलेंगे नहीं, लाइक्स का, दोस्ती की है कि नहीं की है, जल्दी करो दोस्ती, और इस टारगेट को कंप्लीट करो सब लोग, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, जितने भी नए लोग हैं, नए लोगों को क्या करना है, ये जो लाल वाला बटन है ना, इसको दबाइए, इसको तहस नहस कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकन को मत भूलिएगा, क्योंकि तो मंदिर में आने से पहले घंटी बजाना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी। सो हैव यू सब्सक्राइब्ड इट? और लेक्चर पढ़ोगे, डाउट जरूर आएगा, डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये वाला लिंक, उसमें जैसे ही क्लिक करोगे हमारे साथ जुड़ जाओगे, कैसे भी टफ से टफ, इजी से इजी डाउट पूछ सकते हो यहां पे, ठीक है गाइस? चंदन, शगुन, मोहम्मद तारिक, रिदा खान, करण हीरो, मैबेल ब्लोजम, लॉन्ग टाइम नो सी, नेहा कुमारी, शगुन जायसवाल, एवरीबॉडी, देखो आज मैं बताऊं, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आज पढ़ेंगे प्योरली प्योरली। पहला हम कंप्लीट करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा हम कंप्लीट करेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन, और तीसरा क्या कंप्लीट करेंगे भाई साहब, वी 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 आई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको पिछले 5 साल में कम से कम 20 क्वेश्चन दिखा सकता हूं केवल इस वाले टॉपिक से, कंपटीशंस में आप नीट उठा लो, जेई उठा लो, एम्स उठा लो, जिपमर उठा लो, कोई सा भी एग्जाम उठा लो भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता था। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी, नीट होने वाला है, जेई मेन्स एडवांस होने वाला है, उसमें भी पूछा जाएगा, बिटसेट में भी पूछा जाएगा, ठीक है? राधे राधे, लियोना स्टार, अमन, सृष्टि, सब लोग रेडी, सीट बेल्ट लगा लिए, टेक ऑफ करने के लिए स्टार्ट हो, तो देखो आज कितना अमेजिंग आपको पढ़ाऊंगा ना, प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से, प्यार हो जाएगा, केमिस्ट्री इज लव गाइज, लव एब्सोल्युटली। सो 210 का टारगेट है, चलते हैं टारगेट देखते हैं आप लोग कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, रेडी? आई एम वेरी गुड मनीष, विकल्प, आई एम वेरी गुड। आइए, सो मैं आपको बता दूं, ये रहे नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स, अब मैं एक एक करके सबका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा। एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स,
और दूसरा उसका रिएक्शन कराना है ओ से, ठीक है गाइस। एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो हम 3 लिख देते हैं, प्लस माइनस थोड़ी नहीं लिखते, हम फॉर्मूला बना रहे हैं। ऑक्सीजन का 2 होता है और कैंची चलाओगे क्रिस क्रॉस मेथड से, फॉर्मूला क्या बनेगा, X2O3। अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर नाइट्रोजन फैमिली प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी ऑक्साइड बनाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा X2O3। अगर नाइट्रोजन फैमिली प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा तो क्या उसका फॉर्मूला X2O5 हो जाएगा। यार बात समझ में आया कि नहीं? एब्सोल्यूटली गाइज, एब्सोल्यूटली करेक्ट। आइए पहले N2O3 N2O5, उसी तरह P2O3 P2O5 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार देख लीजिए। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है यार, NS2NP3 ये होता है इसका जनरल ऑक्सीडेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट पी ऑर्बिटल को खाली करिए, दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट NS भी खाली करिए, P भी खाली करिए, दैट मींस प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। काम तमाम गाइस, काम तमाम। अब एक डाउट आया कि नहीं, विवेक गुड इवनिंग, अमन एक गुड आया कि नहीं डाउट कि सर नाइट्रोजन आपने बोला था कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, यहां पे 5 बॉन्ड कैसे बना रहा है, यहां पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रहा है? आया ना डाउट अमन ठाकुर, आया ना विकास, आया ना? आइए उसको क्लियर करें, आइए उसको क्लियर करें। देखो N2O5 में 5, यहां देखो 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 नाइट्रोजन तो 8 बना सकता था ना यार, ये सभी तो सोचो। अब लॉजिक पे आओ, देखो N2O5 का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बाद में मैं आपको इसको ट्रिक से करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब नाइट्रोजन को देखो, N2O3 का बॉन्ड बन चुका है, अब 2 नाइट्रोजन और लाने हैं, और ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका, ये भी 3 बॉन्ड बना चुका, चौथा बॉन्ड मैक्सिमम बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंप्लीट करता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंप्लीट करता है, ठीक है। लियोना, रजनीश, राहुल, यस एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो N2O5 में ऐसा मत समझना कि प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब 5-5 बॉन्ड बन रहे होंगे, इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्शन, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली 2 नाइट्रोजन मिलके प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट कर रहे हैं, 2 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, 2 1 1, ऐसे जाके ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, ठीक है। 2 यहां से, 2 यहां से और 1 यहां से, ठीक है गाइस। आइए आइए इसका चर्चा एक बार और करेंगे, वेरी गुड। अब आइए देखिए, ऐसे मैं बताऊंगा आपको, मैं फिर जब आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे नाइट्रोजन का +1 +2 +3 +4 +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम इन जनरल नाइट्रोजन फैमिली जो होता है वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर साथ साथ में जो जो अलग से पढ़ना है उसको एक जगह अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। आइए अब देखो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन वही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहे, यहां पे लोग समझ लेते हैं प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मींस 5 बॉन्ड, नॉट पॉसिबल गाइस, ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। अब देखिए हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये देखो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली नापसंद ऐसे सब बिस्किट देखेंगे, हर एक नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट हर एक हैलोजन फैमिली के एलिमेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, वेरी गुड। अब हर एक देखो यहां पे, जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन ले लो, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे प्रोडक्ट, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे प्रोडक्ट, लेकिन जैसा मैंने बोला चूंकि यहां पे सिंगल नाइट्रोजन की बात हो रही है तो NCl5 नहीं बनेगा, सिंगल नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड, कोवेलेंसी इज 4 ना यार, वेरी गुड वेरी गुड। गौरव, एहसान, अमन, शिव कुमार वर्मा, समझ में आ रहा है, सिंगल नाइट्रोजन 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, या सिंगल बॉन्ड बन रहा था 5 हो गए ना, ठीक है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। आइए अब क्या होगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, ये देखो इसलिए ये नहीं बनेगा, पिछले में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, बॉन्ड 5 नहीं है,
समझना है ठीक है। बॉन्ड अभी भी मैक्सिमम चार ही बना था ठीक है। आइए और आइए, जब भी बिस्मथ, अब आपको पता है बिस्मथ का प्लस थ्री स्टेबल होता है, तो बिस्मथ इज स्टेबल इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स ठीक है। लेकिन प्लस फाइव में BiF5 ही बनता है और कोई नहीं बनेगा। अब आप कहोगे सर ये अनस्टेबल है तो बनता क्यों है? बनेगा, लेकिन जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी BiF3 में कन्वर्ट भी हो जाएगा। केवल BiF5 बनता है, बनेगा, लेकिन जितना जल्दी बनेगा उससे ज्यादा जल्दी प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है गाइस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि BiCl5 बनता है क्या? नहीं बनता। Bi and so on, Br5 भी नहीं बनता, I5 भी नहीं बनता ठीक है गाइस। अमन चैन सिंह जुबेर एक बार तालियां बजा के बता दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम निलिशा तिवारी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जल्दी से हम आते हैं। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये हजारों बार आपसे भी, आपके सामने भी आया होगा कि भाई साहब NCl5 बनता है, PCl5 नहीं बनता, सॉरी NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है क्यों? सिंपल कॉन्सेप्ट यार, सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां बताया। NCl5 क्यों नहीं बन रहा प्लस फाइव में? बिकॉज नाइट्रोजन चार बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, मैक्सिमम तीन बॉन्ड तो नेचुरली, और चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड लियोना स्टार, अंजलि गुप्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट। PCl5 में वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए वो पांचवा पांच बॉन्ड बना सकता है ठीक है। आइए सिंगल सिंपल ये समझाया था कल ही। आइए अब जब भी हमने हैलाइड्स पढ़ा है, इतिहास गवाह है कि हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स पढ़ना जरूरी होता है। बोरोन के भी पढ़े हैं, कार्बन के भी पढ़े हैं। और मैं बता दूं मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नाइट्रोजन के हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस कई बार एग्जाम में पूछा गया। एब्सोल्युटली करेक्ट जुबैर, गौरव सरकार, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज वीटी सर का ट्रिक। वीटी सर का ट्रिक कहां गया? ये रहा वीटी सर का ट्रिक। सी आई एम फ्रॉम बिहार, आज मैं डिस्क्लोज कर दूं, जब भी मैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाता हूं तो मैं ये डिस्क्लोज कर देता हूं कि देखो भाई साहब मैं बिहार से हूं, तो बिहारी यूज वर्ड कर रहा हूं तो इससे ऑफेंड नहीं होना किसी को ठीक है गाइस। सो देखो है क्या, अब ये जो वर्ड है ना, नहीं सब बिहारी, ये हाइड्रोलिसिस में क्या कर रहा है सर? देखो नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका हाइड्रोलिसिस अलग तरह से होता है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केवल नहीं सब बिहारी जो है, इन्हीं का हाइड्रोलिसिस अलग तरीके से होता है, बाद बाकी जो हम पढ़ रहे थे वैसा ही हो रहा है, जैसा बोरोन में पढ़ा, जैसा कार्बन में पढ़ा वैसा ही होता है, लेकिन केवल इन तीन एलिमेंट्स का अलग तरीके से होता है। हम यह भी पढ़ेंगे कि क्यों अलग तरीके से होता है ठीक है। सो नाइट्रोजन, एंटीमनी और बिस्मथ, अब एक कहानी सुनने की बात आई है, इसका हाइड्रोलिसिस जो है इट इज समथिंग डिफरेंट। देखो आप कहते हैं ना यार बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के सर्विसेज के एग्जामिनेशन, आईआईटीज भी बिहार से ज्यादा निकलते हैं, कुछ तो अलग है ना, बिहारी अलग होते हैं ना, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव थिंकिंग में, तो बिहारी यहां भी अलग है, नहीं सब बिहारी। अब एक छोटी सी कहानी की, थैंक यू सो मच जैक सिंह, थैंक यू सो मच। आइए अब क्या है, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं ठीक है। बहुत यस यस यस, मैं बता रहा हूं मोहम्मद दानिश आ रहा हूं, कहानी सुनिए पहले। कहानी यह है कि एक कोटा में एक बिहार से बच्चे आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं कोटा में, बिहार और यूपी से बच्चे पढ़ने आते हैं। अब बिहार यूपी से जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, वो इतना पढ़ाई में रम जाते हैं, इतना ज्यादा डेडिकेटेड काम करते हैं कि वो नहाना वहाना में भूल जाते हैं, समझ रहे हो, एकदम कैसे भी रहते हैं, बस उनको एक साल डेडिकेटली मेहनत करते हैं और रैंक लेके आते हैं। ये मैं खुद गवाह हूं इस बातों का, कि मैं देखता हूं यहां पे ठीक है। ओके अब क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है भाई साहब? वाटर से रिएक्शन। हाइड्रो है ना यार, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का रिएक्शन। अब वाटर का रिएक्शन क्या, लोगों का परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि यार बिहार वाले लोग है ना, ये खाली पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, नहाते वहाते नहीं है। दैट मीन्स वाटर से नहाने का कनेक्शन बनाओ, कि नहीं सब बिहारी, ये सारे बिहारी नहाते नहीं है यार, लेकिन मैं फिर बोलूंगा सारे बिहारी मत बोलो, नहीं सारे बिहारी एक जैसे नहीं होते, मैं नहाता हूं यार
एवरीडे आई टेक बाथ। चलिए अब एक कहानी थी छोटी सी ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए कि नाइट्रोजन एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, नाइट्रोजन एंटीमनी और बिस्मथ इज द हाइड्रोलिसिस, नहीं सब बिहारी, ये नहाते हैं लेकिन अलग तरीके से नहाते हैं, हाइड्रोलिसिस इनका अलग तरीके से होता है। अब आइए पर्दा से पर्दे उठा दूं कि होता क्या है। एक्चुअली NCl3 होना क्या चाहिए था, HNO3 बनना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला हुआ है प्लस थ्री वाला हाइड्रोलिसिस में प्लस थ्री वाला एसिड बनाना है। सिमिलरली विद दिस एंड दिस, नहीं सब बिहारी, इनका छोड़ के बाकी सबका हाइड्रोलिसिस पहले जैसे होगा। पहले में क्या होता था हाइड्रोलिसिस में, सर हाइड्रोलिसिस कराने के लिए कुछ नहीं करते, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस थ्री। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस जब भी करोगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड राइट हैंड साइड में बनाना होता है, काम खत्म, कुछ रटना फटना नहीं है यार। प्लस थ्री लेफ्ट हैंड साइड में है। अब सोचो H3PO3 आपने सुना होगा, H3PO4 आपने सुना है, कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा एसिड में फास्फोरस प्लस थ्री में है, क्या दिख रहा है, प्लस थ्री में H3PO3। H3PO4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां फास्फोरस प्लस फाइव में है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए, लेकिन नहीं सब बिहारी, नहीं सब बिहारी, इन सब लोगों ये अलग तरीके से नहाते हैं यार, ठीक है, बहुत अच्छा। यस एमओटी है, प्लीज उसको सही से देखिए, एमओटी उसी में पड़ा हुआ है। आइए अब इनका 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 अलग से स्टडी करना जरूरत है, आइए कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं। एक बार प्रोडक्ट जरूर देख लें, प्रोडक्ट जरूर देख लें। NCl3 में NH3 बन रहा है, SbCl3 में SbOCl बन रहा है, BiCl3 में BiOCl बन रहा है। अभी भी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, अभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, ठीक है, केवल NCl3 का अलग से हो गया है, ठीक है। अमन ठाकुर, चंचल, मनोज सिंह, गोला भाई, मोनिका जांगेट, समझ में आ गया सब लोगों को। आइए अब किसी भी, अब जो बिहारी बच्चा यहां पे आया है पढ़ने, उसको हम लोग बोलते हैं यार तू नहाता नहीं है यार, हाइड्रोलिसिस से रहा नहीं हो रहा, नहाता नहीं है, सब बिहारी नहीं नहाते, सब बिहारी नहीं नहाते, नहीं नहाते। तो इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप नहाते क्यों नहीं हो, तो बोलेगा ओ कल नहाऊंगा मैं, हेलो कल नहाऊंगा मैं, दैट मीन्स SbO कल नहाऊंगा मैं, SbOCl, BiOCl, आया समझ में, SbO कल नहाऊंगा मैं, BiO कल नहाऊंगा मैं। सब बिहारी बोलेंगे कि भाई साहब ओ कल नहाऊंगा मैं, सब बिहारी कल नहाऊंगा, समझ में आया, वेरी गुड। बिहारी नहीं नहाते ऐसा कुछ नहीं है, देखो बिहारी कितने काम के होते हैं कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट रटवा के चले गए हमेशा के लिए। सब बिहारी से पूछो कि भाई साहब नहाते क्यों नहीं हो, बोलेंगे ओ कल नहाऊंगा मैं, ओ सीएल, ओ कल नहाऊंगा मैं, एंड सो ऑन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस। अब दिमाग में कभी भूलोगे क्या, पहला बात आपको दिमाग में रखना है, नहीं सब बिहारी अलग तरह से हाइड्रोलिसिस करते हैं, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल तीन है, नहीं सब बिहारी, अभी नहाते नहीं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर, वाटर मतलब नहाना, अब नहा नहीं रहे तो उनसे पूछोगे कब नहाओगे, बोलेंगे ओ कल नहाएंगे, दैट्स इट, काम खत्म, वेरी गुड। आइए अब स्टूडेंट के मन में तीन चार डाउट आ गई ये वाला चीज देख के कि सर NCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट, HOCl में ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां SbOCl एंड सो ऑन। अब एक एक करके सब डाउट क्लियर करता हूं, देखो सबसे पहला NCl3 में, NCl3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, सब लोगों को पता है नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थ्री होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थ्री नहीं होती, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो आपको कैसे पता चला कि नाइट्रोजन पे प्लस थ्री आएगा और क्लोरीन पे माइनस वन आएगा, माइनस तो उसी पे जाता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, यार हमने लिख दिया क्लोरीन पे माइनस वन, दैट मीन्स क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए हैं, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, आपको कैसे पता चला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो भाई साहब दोनों का सेम है। आइए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3.04 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3.16। क्लोरीन इज
slightly higher, chlorine की electronegativity is slightly higher than nitrogen. Therefore, chlorine develops minus charge, क्योंकि लगभग बराबर है लेकिन फिर भी क्लोरीन उससे थोड़ा सा ज्यादा है. आया फील? फील आया कि नहीं? ज्यादा जरूरी फील का है. तीन क्लोरीन माइनस वन चार्ज, एक क्लोरीन माइनस वन, तीन क्लोरीन माइनस थ्री. सो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस तो इधर प्लस थ्री. अरे बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. अब HOCl में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है. HOCl में ठीक है, आइए HOCl का कंफ्यूजन देखिए, मैं दूरी कर दूं. OCl माइनस एक अनायन होता है, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड अनायन होता है. OCl माइनस कैसे बना? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज और क्लोरीन के ऊपर प्लस वन चार्ज. आपको कैसे पता चला कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज आया? यार ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा. कितना माइनस? जितना ऑक्सीजन की वैलेंस ही है. अब इधर वाला माइनस तो सामने वाला प्लस. ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? ओवरऑल चार्ज माइनस टू प्लस वन, दैट मीन्स माइनस वन. दैट इज वाई वी राइट ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर माइनस वन चार्ज. वेरी गुड, बहुत अच्छा मतलब राइट्स, बहुत अच्छा मोहम्मद दानिश, समझ में आया? वेरी गुड. अरविंद शर्मा, आपका नाम कैसे भूल सकता हूं मैं. लियोना स्टार, अभी जहर देने की तैयारी करते हैं. अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई डाउट रह गया? SbOCl, OCl पे कितना चार्ज होता है? OCl पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, Cl के ऊपर प्लस वन. ठीक है, समझ में आया? एवरीवन गेटिंग दिस और नॉट? धीरज कह रहे हैं अमेजिंग, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी जहर देते हैं थोड़ी देर में, डोंट वरी. SbOCl एंड BiOCl में, आइए पीछे दिखा दूं आपको. SbOCl और BiOCl में ये देखो, यहां पे SbOCl एंड BiOCl में Bi एंड Sb आर इन प्लस थ्री. देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही है नॉर्मल. आइए अब OCl में यहां पे क्या होता है? माइनस टू. यहां पे क्या होता है? माइनस वन. यहां पे क्या होता है? माइनस टू. यहां पे क्या होता है? माइनस वन. बस थोड़ा सा अलग है और इसीलिए एग्जामिनर बार बार पूछता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीजें आपको याद करा दी. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया? ऑक्सीजन और क्लोरीन यहां पे दोनों माइनस में है बिकॉज ये दोनों इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों एंटीमनी से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दोनों दोनों खींच रहे हैं तो दोनों पे माइनस चार्ज आएगा. उसी तरह यहां पे कहां था? HOCl में. HOCl में यहां पे प्लस चार्ज आया. क्यों? बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का खेल है और कुछ नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. आइए अब आइए थोड़ा सा चर्चा करें. अब आपकी रिएक्शन में ऐसा कर दूंगा, सब लोग लेगा ऐसा कुछ होता है क्या? आइए देखते हैं. लाइक्स का टारगेट 210 है, भूलना नहीं है उसको. लाइक्स का टारगेट कितना है? 210. क्या फुलफिल हो रहा है? मुझे नहीं दिख रहा फुलफिल होता हुआ. जल्दी करिए लाइक का टारगेट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब आइए, क्या आपको यह रिएक्शन पता है? यार ये वाला रिएक्शन पता है, BCl3 का वाटर से रिएक्शन. मैंने बोला हुआ है सर, कोई भी वाटर का रिएक्शन आए ना, आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो. जो मेन एटम है, मेन एटम कौन है? ब्लोरीन. मेन एटम का मतलब सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? प्लस थ्री. भाई साहब प्रोडक्ट भी वही बनेगा, प्लस थ्री वाला. प्लस थ्री वाला एसिड बनेगा, H3BO3 बना प्लस थ्री वाला एसिड. कभी कभी एग्जामिनर ऐसा लिख देता है और बच्चों के दिमाग में OH दिखते ही बेस याद आ जाती है, लेकिन वो बेस याद आप नहीं करोगे नहीं तो एग्जामिनर आपका निगेटिव मार्किंग दे देगा. सो क्या H3BO3 लिखाओ, ये लिखाओ, बात सेम है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक बच्चे यहां करते हैं, आप नहीं करोगे, मैंने पहले ही बता दिया. फिर मैं देखूं कि देखो PCl3 का हाइड्रोलिसिस अभी मैंने पढ़ा ना यार, फॉस्फोरस का हैलाइड. क्या नहीं सब बिहारी, इन छोड़ के बाकी सब में आपको जो रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे प्लस थ्री है तो प्लस थ्री वाला एसिड बनाओ. तो फॉस्फोरस का मैं H3PO3 जानता हूं, H3PO4 जानता हूं. H3PO3 किया तो फॉस्फोरस प्लस थ्री में निकल आया, दैट मीन्स दिस विल बी द आंसर. H3PO4 में फॉस्फोरस प्लस फाइव में है. तो क्या PCl5 अगर लिख दूं, क्या PCl5 लिख दूं तो प्लस फाइव वाला एसिड आंसर हो जाएगा H3PO4? वेरी गुड, वेरी गुड. MDKF आकाश शाह,
वेरी गुड, लियोना स्टार, चंचल, प्राची, सब समझ में आ रहा है। अब आइए, अब एक बार बच्चों को क्या हुआ, एग्जाम में ये वाला रिएक्शन लिख दिया, अब बच्चे हो गए हाथ पांव फूल गए बच्चों के कि भाई साहब हाथ पांव फूल गए, सर आपने तो बोला था H3PO3, आंसर में तो POH3 दे दिया, सर आपने तो एसिड बोला था, आंसर तो बेस दे दिया, वीटी सर क्या हो गया ये, हाथ पांव फूल गए बच्चों के। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वीटी सर के बच्चे जहर देते हैं बच्चों को, वो वीटी सर के बच्चे ऐसे समझेंगे, सर जैसे हमने BOH3 को H3BO3 लिखना सीख लिया, बस इसको खोला ही तो है, बस खोल के रख दो इसको भी H3PO3, देखो ना तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन नहीं है क्या। वेरी गुड शिव कुमार वर्मा, लियोना स्टार, अरविंद शर्मा, आयुष, सो आप ये सिली मिस्टेक करोगे क्या? नहीं करोगे ना, सब समझ में आ रहा है आपको? तो क्या आपका भी रिएक्शन ऐसा ही है, हो मैं तो बच गया, मेरा निगेटिव मार्किंग होने से बच गया। वेरी गुड प्राची यादव, अमन ठाकुर, वेरी गुड। सो अगेन आई विल रिमाइंड कि भाई साहब लाइक का टारगेट 210 है। अब आइए, बहुत अमेजिंग, NCl3 सिंस, अब देखो सिंस मींस छोड़ो, पहले आओ इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि BOH OH OH, यही था ना यार, सबसे पहला हमने हाइड्रोलिसिस, सॉरी BOH नहीं पढ़ा था, सबसे पहले हमने बोरोन फैमिली पढ़ा था और उसका हैलाइड्स पढ़ा था, बोरोन के पास खाली कमरा था तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर डोनेट हो गया था, दैट मींस हाइड्रोलिसिस तभी हो रहा है जब सामने वाले के पास खाली कमरा हो, तभी तो लोन पेयर जाके कहीं रुकेगा, ठीक है, तभी तो लोन पेयर जाके कहीं रुकेगा। एक मिनट में पानी पी लूं। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, कैसे हैं आयुष कुमार, वीटी सर ने बचा लिया, ओ थैंक यू सो मच। ड्यू टू लोन पेयर, देखते हैं रीदा, वैसे आंसर रीदा आपका हाफ करेक्ट है लेकिन देखते हैं। गुड इवनिंग गुलशन, गुलजी गुड इवनिंग, आइए। अब देखो सबसे बड़ा डाउट होता है NCl3 के पास नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, सो 2s2 ये रहा और 2p3 ये रहा, रहा कि नहीं रहा? अब सर तीन बॉन्ड, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल मुझे नहीं दिख रहा है नाइट्रोजन के केस में, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिख रहा ना, अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये कहां लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के पास, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, अब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो कहां से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। आइए देखते हैं होता क्या है, यही होता है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है लेकिन क्लोरीन के पास तो है, अरे जिसका हाइड्रोलिसिस करना है उस पूरे कंपाउंड में वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, ये नहीं कि इसके पास हो जाए तो हो जाएगा काम, लोन पेयर क्लोरीन को डोनेट हो जाता है इस केस में। देखो नाइट्रोजन के पास गया, खाली कमरा है क्या, है क्या, है क्या, इसका लोन पेयर पूछेगा खाली कमरा है, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा क्लोरीन के पास, इसको वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों दिखा, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है और थर्ड पीरियड का होने की वजह से इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वेरी गुड लियोना मरियम, बहुत अच्छा। अब क्या है, ये लोन पेयर क्लोरीन के पास डोनेट होगा, क्लोरीन के पास डोनेट होगा कैसे होगा, देखिए हेयर H2O मॉलिक्यूल डोनेट्स इट्स लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। पहले क्या हो रहा था, बोरोन के पास ही मिल गया, सेंट्रल एटम के पास ही मिल गया तो डायरेक्ट सेंट्रल एटम को डोनेट हो गया, अब सेंट्रल एटम के पास नहीं है तो क्लोरीन को डोनेट हो गया, ठीक है। कार्बन फैमिली में कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना तो हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ, कहां हुआ, कार्बन का हाइड्रोलिसिस नहीं कराए थे, CCl4 में कार्बन का हाइड्रोलिसिस नहीं कराया था और ये क्वेश्चन भी कराया था कि कार्बन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ऐसा ही Cl4 का होगा क्योंकि थर्ड पीरियड के बाद डी ऑर्बिटल आ जाता है और डी ऑर्बिटल वैकेंट है, हमें तो खाली कमरा चाहिए तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इस्तेमाल में ले लिया। वेरी गुड, आइए अब होता क्या है, ये देखो ये रहा NCl3 मॉलिक्यूल, जैसे ही वाटर इसके क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट होगा ये वाला चीज हो जाएगा, क्लोरीन के पास वाटर डोनेट हो गया, दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज स्टेबल होता है, नहीं होता ना स्टेबल, दैट मींस ये स्टेबल नहीं है
और मैंने बोला हुआ है नहीं सब बिहारी, इनका अलग से अलग हाइड्रोलिसिस होता है, दैट मींस इनका अलग हाइड्रोलिसिस होगा। पहले में एच और सी एल निकलता था, अब एच सी एल ना निकल के पूरा पूरा एच ओ सी एल निकलता। समझ में आया? इन सी सी एल फोर वी डी नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, देयर फोर नो हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, बहुत अच्छा अरविंद शर्मा। सो एच ओ सी एल निकाल दीजिए, हर जगह आप एच सी एल निकालते थे, यहां एच ओ सी एल निकाल दीजिए। अब आप देखो आपने क्या क्या निकाल दिया, एच निकाल दिया, ओ निकाल दिया, सी एल निकाल दिया, तो क्या बना, नाइट्रोजन दो सी एल और एक हाइड्रोजन। देखा, नाइट्रोजन दो सी एल और एक हाइड्रोजन। अगर दूसरी बार वाटर अटैक करेगा तो इस सी एल के जगह एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तीसरी बार वाटर अटैक करेगा तो इस सी एल के जगह एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आपको एनएच थ्री दिख रहा है, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन सरेआम पूछा गया कि सर आपने NCl3 का हाइड्रोलिसिस करा दिया और आपको NH3 plus 3 times HOCl मिल गया, पहली बार में एक HOCl, दूसरी बार में दो, तीसरी बार में तीन। अब NF3 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करा पा रहे हो आप, NFFF, ठीक है, ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई? वेरी गुड शिव कुमार वर्मा, एब्सोल्यूटली करेक्ट, क्वेश्चन बिकेम आंसर करेक्ट। आइए अब देखता हूं मैं, देखो NCl3 का क्या केस था, NCl Cl Cl और वाटर जब इस पे अटैक कर रहा है, अब क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए क्लोरीन को डोनेट कर दिया। अब यहां ना ही नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ना ही फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सो इसको पूरे कंपाउंड में कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखा, देयरफॉर इन NF3 देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बिल्कुल सही वैभव श्रीवास्तव, बिल्कुल सही दानिश, दिनेश कुमार सारस्वत, बिल्कुल सही मनोज सिंह, एब्सोल्यूटली करेक्ट, लियोना स्टार बहुत अच्छा, एब्सोल्यूटली करेक्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन आप मेरे उम्मीद से ज्यादा आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड मरियम करण हीरो, वेरी गुड। अब आपको मैं थोड़ा सा दिमाग ट्विस्टर बोलते हैं इसको, ब्रेन ट्विस्टर दूंगा कि NCl3 में तो हाइड्रोलिसिस करा दिए, काहे कि क्लोरीन के पास आपको वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, लेकिन कार्बन फैमिली में CCl4 जब आप पढ़ रहे थे, CCl4 जब आप पढ़ रहे थे तो CCl4 का आप हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं कराए, हमने पढ़ा हुआ है CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, खाली कमरा तो अभी भी क्लोरीन के पास है लेकिन काहे नहीं हो रहा है। और यह रहा चॉकलेट क्वेश्चन, जो बच्चा इसका आंसर सही दे दिया, आई विल अनाउंस योर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो, सबसे पहला वीडियो शुरू करते ही आपका नाम लूंगा। यह चॉकलेट क्वेश्चन, मफिन क्वेश्चन आपके लिए है, CCl4 नो वैकेंट ऑर्बिटल, क्यों भाई साहब, यहां तो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां क्या हो गया उसको, यहां वी वैकेंट ऑर्बिटल है। मैं फिर से बता दूं, CCl4 में भी क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन क्यों नहीं हो रहा, अब यह सोच क्वेश्चन सोचिए, कल बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, मनोज सिंह नो। आइए अब रिएक्शन विथ हैलोजन पढ़ लिया, ऑक्सीजन पढ़ लिया, हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया। हाइड्रोलिसिस में भाई साहब बस एक चीज याद रखनी है, क्या हाइड्रोलिसिस में बस एक चीज याद रखनी है, नहीं सब बिहारी, आपको क्या दिमाग में रखना, देखो मैं एक मिनट में खत्म करूं, नहीं सब बिहारी, इसके बाद फॉस्फोरस और आर्सेनिक ही तो बचे, फॉस्फोरस प्लस थ्री में जाएगा तो एच थ्री पीओ थ्री बना लेगा, अगर फॉस्फोरस प्लस फाइव में हाइड्रोलिसिस होगा तो एच थ्री पीओ फोर बना लेगा, अगर आर्सेनिक प्लस थ्री में बनाएगा तो एच थ्री एस ओ थ्री बना लेगा, अगर आर्सेनिक प्लस फाइव में बनाएगा तो फिर एच थ्री एस ओ फाइव बना लेगा। हाइड्रोलिसिस में भाई साहब कुछ नहीं करना, जो भी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड प्रोडक्ट में बनाना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में है वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड प्रोडक्ट में बनाना है। ठीक है, कार्बन लोन पेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन देखो हाइड्रोलिसिस में वाटर के पास लोन पेयर है और सामने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इस दोनों के अलावा और कोई भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सामने वाले के पास इस बार वैकेंट ऑर्बिटल भी है और यहां पे लोन पेयर भी है, तो क्यों नहीं हो रहा है मुझे बताइए। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड।
देखते हैं। अब देखो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, बहुत अमेजिंगली पढ़ा है हमने, ठीक है। नहीं सब बिहारी ये सारे नहाते नहीं है, दैट मींस इनका हाइड्रोलिसिस इजिली नहीं होगा, दैट मींस डिफरेंट तरीके से होगा। कैसे होगा? तो जिस सब बिहारी से पूछोगे तो वो बोलेंगे ओ मैं कल नहाने वाला हूं, दैट मींस एसबी एंड बिहारी बिस्मत जो है SBOCl और BIOCl बनाता है, और NCl3 का मैंने बना दिया NH3 प्लस HOCl, ठीक है। ये SBOCl प्लस HCl, BIOCl प्लस HCl, ठीक है, वो मैंने चार्ट भी बना रखा है। प्रेम कुमार, वेरी गुड, डी वैकेंट में स्पेस है, नो कार्बन के, कार्बन सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। वेरी गुड गाइस, कीप ऑन ट्राइंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आज का मेन मुद्दा जो है डाई नाइट्रोजन है। कई बार एटलीस्ट 5 to 6 times डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आया है। अब जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्या भाई साहब आपको ये टिप्स पे रहना चाहिए कि नहीं? मानते हो इस बात को? मानते हो तो बोलो हां, और हार्ट से यहां पे भर दो, ताकि जो अब पढ़ाने वाला हूं ये मेरा यूनिक है पढ़ाना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आता है तो मुझे एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स दिलवाना है, और मैं वो हर चीज करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में मदद करेगा, ठीक है। हेमंत, जस्ट वी आर गोइंग ऑन दैट, ठीक है। आइए एक बात मुझे सबसे पहले बताइए कि नाइट्रोजन एयर में होता है कि नहीं? एयर में मेनली दो गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, बात से इत्तेफाक रखते हो? बोलो हां। CCl4 एक्सपेंड कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ऑक्टेट एक्सपेंड। आइए अब मैं आपको बताऊं हवा में होता है कि नहीं, पहले ये मुझे बता दीजिए, इस पर आइए, फिर चॉकलेट क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। वेरी गुड, एयर में होती है, अमन ठाकुर ने बोल दिया, सही है। अब आपको एयर में आप सूंघो एक बार, हवा एक बार जोर से हवा लो अंदर, ऐसे क्या आपको कोई स्मेल आया? इट इज ऑर्डरलेस। क्या कोई कलर दिख रहा है हवा में? देखो आसपास, देखो आपने, नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स इट इज कलरलेस है, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल नहीं है इसके अंदर, टेस्टलेस, जीव से ऐसे ऐसे करके देखो, ठीक है, कुछ आ रहा है टेस्ट? नहीं आ रहा। तो नाइट्रोजन हवा में है तो क्या ये दिख नहीं रहा कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस? और क्या नाइट्रोजन से कोई हार्म हो रहा है अपने को? नहीं ना, नाइट्रोजन से हार्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज नॉन टॉक्सिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक। अगर ये आप नहीं भी पढ़ के जाओ, एग्जामिनेशन में पूछे तो क्या कॉमन सेंस नहीं लगा लोगे? भाई साहब नाइट्रोजन कहां है? N2 इज इन एयर, तो एयर में स्मेल करो ऑर्डरलेस, टेस्ट करो टेस्टलेस, कलर देखो कलरलेस, यस कोई हार्म कर नहीं रहा है, दैट मीन्स नॉन टॉक्सिक, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस तरह इस पढ़ाई को बोलते हैं फील करना, इसी तरह पढ़िएगा आप तो सिलेक्शन जरूर होगा। अब दूसरा पॉइंट एक बार पढ़िए, N2 जो होता है जेनरली ये इनर्ट नेचर का होता है, कहने का मतलब है ये दूसरों से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। दूसरों से रिएक्शन क्यों नहीं करता है? क्योंकि N2 का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है, तीन तीन बॉन्ड यहां पे है, तीन तीन बॉन्ड, ठीक है। अब तीन तीन बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। अब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, देयरफॉर इतना एनर्जी कहां मिलेगा? तो कोई इससे रिएक्शन करता ही नहीं है। रिएक्शन करने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, नया रिएक्शन होगा। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए? तीन तीन बॉन्ड है, पॉसिबल है? नहीं है। वेरी गुड, अब आइए यहां पे आंसर, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, बहुत अमेजिंग, कहीं नहीं मिलेगा, फिर से मैं बता दूं, कहीं नहीं मिलेगा, बार बार पूछा गया है, ठीक है। आइए डाई नाइट्रोजन को बनाने के लिए पहले देख लीजिए, ये तीन मेथड हैं जिससे डाई नाइट्रोजन बनता है। अब कभी भी आपको N2 गैस बनाना है, नाइट्रोजन बनाना है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, ऐसे आप ऐसा थोड़ी है कि नाइट्रोजन पकड़ लिए, हवा में है तो पकड़ लिया, चलता फिरता नहीं ना। अब उसको लेबोरेटरी में बनाना कैसे है? तो वो तीन चीजों से बनता है, अमोनियम नाइट्राइट से, अमोनियम डाइक्रोमेट से, और एजाइड से, सोडियम और बैरियम के एजाइड से, ठीक है। ये तीनों NCERT में भी दिया हुआ है, हर जगह दिखा हुआ है, लेकिन आपको कैसे दिमाग में रहेगा एग्जामिनेशन तक? वेरी गुड, यस विकल्प, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आइए, आप लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं, सब लोग जानते हैं,
ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी है जिससे N2 का प्रिपरेशन टिप्स पे होगा, विकल्प सुनेंगे, बहुत सही है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब थोड़ा सा सब लोग माइंड ओपन, आईज ओपन एंड फोकस हियर एवरीबॉडी। अब डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन देखो, अब मैं आपको बताता हूं, नाइट्रोजन एयर में होता है, सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, हाँ, और एयर बिना हवा की जिंदगी का क्या मतलब, बिना हवा की जिंदगी होगी नहीं। आप मान लो आपके पास एयर ना हो, दैट मींस नो लाइफ। तो नाइट्रोजन हवा में है और हवा ही तो जिंदगी है, और हम लोग अम्मी बुलाते हैं, जैसे हम मम्मी माँ बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, मॉम बुलाते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में लोग अम्मी बोलते हैं, ठीक है। मेरा फ्रेंड है वो अम्मी बोलता है, तो मुझे यहां से आता है। और इस्लाम धर्म में पूजा अजान होती है उनके यहां, अजान, वो जो आप सुबह शाम सुनते हो ना 6 बजे के अप्रॉक्स, तो वो उसको अजान बोलते हैं। तो जब, अब आप बताओ किसी भी घर में औरतें जो होती हैं, जैसे आपकी मम्मी हुई, किसी की मम्मी हुई, अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं यू गो टू टेम्पल, सिमिलरली इस्लाम धर्म फॉलोअर्स गो टू मॉस्क, मॉस्क आई एम राइट, यस, मस्जिद जाते हैं। अब इस्लाम धर्म में अम्मी अजान करती हैं, क्यों? क्योंकि उनको जिंदगी चाहिए, जिंदगी कहां है, नाइट्रोजन के पास, लाइफ चाहिए, लाइफ कहां है, नाइट्रोजन के पास। फिर से अम्मी अजान करती हैं क्योंकि सब परिवार की लाइफ के लिए, सब परिवार हंसी खुशहाल रहे इसके लिए। अब आइए इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है, देखेंगे एवरीबॉडी, डाई नाइट्रोजन, कभी भी नाइट्रोजन का प्रिपरेशन आए, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन से, नाइट्रोजन कहां है, एयर में, एयर कहां है भाई साहब, एयर, एयर इज लाइफ। अब देखना, अम्मी का मतलब है अमोनियम का, अमोनियम, और अजान का मतलब है अजाइड। अमोनियम और अजाइड की हीटिंग से आपको लाइफ मिलता है, N2 मिलता है जो एयर में होता है। यस रिदा खान, एब्सोल्युटली करेक्ट, जैक डू नॉट मेक एनी फन हियर, ठीक है, वेरी गुड। अब अम्मी अजान करती हैं, अजान मतलब किसी की भी, जैसे मान लो मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी क्या पूजा करते रहती हैं ताकि मैं, उनके, मेरे फादर, मेरी सिस्टर एंड सो ऑन, सारे लोग घर में खुशहाल रहें, जिंदगी उनकी अच्छी चलती रहे, सब लोग, तो अम्मी अजान करती, दैट मीन्स अमोनियम अजाइड, इनकी हीटिंग से आपको क्या बनेगा, N2, अमोनियम अजाइड, अमोनियम अम्मी, अजाइड अजान, ठीक है भाई साहब, एवरीबॉडी, यार हार्ट्स तो दिखे ही नहीं, अच्छा नहीं लगा ट्रिक क्या, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। आइए अब होता क्या है, सबसे पहले अमोनियम अम्मी अजान करती है, दैट मींस अम्मी लिख लो और अजान लिख लो, यहां पे अजान हिंदी में लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख लो, ठीक है, आपको तो मार्क्स लाना है ना यार, हिंदी इंग्लिश उर्दू से क्या मतलब है। चलिए आइए, अब अम्मी का मतलब है अमोनियम, अजान का मतलब है अजाइड, अजान एजाइड, अजाइड सोडियम और बैरियम का, अजाइड किसका, सोडियम और बैरियम के, अजाइड के हीटिंग से N2 बनता है, N2। और अजान क्यों करते हैं यार, लाइफ अच्छा रहे, अच्छी जिंदगी चले, अम्मी अजान करती हैं सब लोगों के यहां, वेरी गुड। अब अमोनियम क्या है, अमोनियम है, अमोनियम इज व्हाट, अमोनियम नाइट्राइट एंड अमोनियम डाइक्रोमेट, ये दोनों की हीटिंग से, थैंक यू सो मच शिव कुमार वर्मा। अब आइए एक एक करके देख ही ले यार, सबसे पहला मैंने लिखा अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करो, आपको कैसे ये प्रोडक्ट बनाने आएगा सर, आप बोलोगे सर ये तो हमें आता ही नहीं है, तो कभी भी हीटिंग करना हो ना, आप हीटिंग करने से पहले देखो कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, निकालो एक बार यहां से कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो किसी भी हीटिंग के लिए, आप देखना, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं NH4NO2, सीखो सीखो सीखो, यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, क्या आप 2 मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, तभी तो 4 हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से, ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद दानिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे ही इसको हीट करोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से मैक्सिमम निकल सकता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही 4 हाइड्रोजन यहां से खत्म हो चुका है। अब 4 हाइड्रोजन तो निकल गया है, 2 ऑक्सीजन भी तो निकालो, 2 ऑक्सीजन भी तो निकालो, दैट मींस ये O2 भी खत्म हो चुका है, तो क्या बचा, क्या बचा डॉक्टर जय मोहम्मद तारिक, क्या बचा, क्या साथ में N2 बचा कि नहीं, वही तो लिखा हुआ है, नथिंग एल्स, रटोगे क्या, वेरी गुड, वेरी गुड।
अम्मी अजान करती हैं तो अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे, प्रोडक्ट रटना नहीं है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल का निकालो, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकालो, वो दो ही निकल सकता है क्योंकि चार ही हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, ठीक है, वेरी गुड। नो आयुष, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। आइए, अब दूसरा था अमोनियम डाइक्रोमेट, था ना, डॉक्टर जे आयुष मांडवी गुप्ता, वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए इसको देखिए, पहले राइट हैंड साइड को भूल जाइए। अब इसमें देखो, क्या आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? चार NH4 में चार है और दो NH4 है, दैट मींस टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए, एक H2O मॉलिक्यूल के लिए, एक H2O मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होंगे, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल, 8 हाइड्रोजन है, दैट मींस यू कैन मेक 4 वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम। सो यू हैव, यू एक्सट्रैक्टेड 4 वाटर मॉलिक्यूल, गाइस वेरी गुड। अब चार वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, क्या बचा यहां पे? देखो यहां पे चार वाटर मॉलिक्यूल से 8 हाइड्रोजन निकल गया और चार ऑक्सीजन निकल गया, दैट मींस 3 ऑक्सीजन इज लेफ्ट। तो क्या ये Cr2O3 और बच रहा है? तो Cr2O3 और लेफ्ट में दो अमोनिया थे, तो 2N, यहां से भी N2 निकल गया। डॉक्टर जे इज एब्सोल्युटली करेक्ट, शिव कुमार वर्मा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। चार जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, विकास ने एब्सोल्युटली सही आंसर दिया, एब्सोल्युटली सही। पहली बार आपको क्या दिमाग में रखना है कि भाई साहब मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल कितना निकाल सकते हो? तो देखो, हाइड्रोजन यहां से पूरा गायब हो चुका है, ऑक्सीजन केवल 3 बचे हैं, तो क्या ये Cr2O3 दिख रहा है? Cr2O3 इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड एक नाइट्रोजन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिया हुआ था तो दो नाइट्रोजन, N2 इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैंने कई बार बताया है कि कलर भी याद नहीं करना है, क्रोमियम प्लस 3 के लिए ट्रिक बताया था, क्रोमियम मतलब करेला, समझ में आया? करेला किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आ गया? जुबैर, शिवकुमार वर्मा, एहसान खान, एब्सोल्युटली करेक्ट, मांडवी गुप्ता, आरती पांडे, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखो, अम्मी अजान करती है, यही तो मैंने बोला था, अम्मी अजान करती हैं, अम्मी दोनों कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि दो है, डाइक्रोमेट है और दूसरा नाइट्राइट है, सो पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है? अजान, अजान का मतलब अजाइड। अब N2 बनेगा ही हीटिंग से, चाहे अमोनियम का ले लो प्रोडक्ट, चाहे अजाइड का प्रोडक्ट ले लो, पहला हीट दूसरा हीट, ठीक है। आइए दूसरा हीटिंग देखो, NaN3 लिया, हीट किया, प्रोडक्ट बना, Ba लिया, हीट करा, प्रोडक्ट बना। एक आपको जो वो बताऊं, क्या कहानी बताऊं, जब मैं करियर पॉइंट में एक्चुअली अप्लाई किया था फॉर टीचिंग पर्पस, एक्चुअली यहां पे पूरे प्रोसेस होता है, पहले आप रिटेन दो, फिर डेमो दो, फिर इंटरव्यू होगी, एंड देन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। तो लेयर ऑफ प्रोसेस होता है, आप बहुत क्या बोलते हैं, गिना चुना कैंडिडेट ही यहां पे आके कर सकता है टीचिंग वगैरह, क्योंकि काफी रिफाइंड तरीके से निकाला जाता है। तो जब मैं टेस्ट दे रहा था रिटेन में, मुझे याद है कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन किस मेथड से बना सकते हो, और उसमें ऑप्शन ए था सोडियम अजाइड, ऑप्शन बी था बेरियम अजाइड, और ऑप्शन सी था ANB, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो ये ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि कभी भी आपसे भूलेगा नहीं, ठीक है, आई होप आपको भी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अमोनियम हो चाहे अजाइड हो, हीट तो करना ही पड़ेगा N2 बनाने के लिए, एवरी कोई भी प्रोसेस हो N2 बनाने का, उसमें हीटिंग इज इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व है? हीटिंग, ठीक है, वेर, यस यस, एग्जाम देना पड़ता है यार, आप कोई भी कुछ भी पढ़ाई कर लो, कहीं भी जॉब लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैं कॉलेज में था तो कॉलेज से आई गॉट प्लेस्ड इन एन MNC कंपनी, सो वहां भी मैंने एग्जाम दिया था, वहां भी मेरी ग्रुप डिस्कशन हुई थी, वहां भी इंटरव्यू हुआ था, रात के 11:30-12 बजे तक मैंने इंटरव्यू दिया था। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, आप लोग भी आएंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा, बड़े तो हो जाओ थोड़े, पहले तो आप ये सीखो अम्मी अजान कैसे कर रही हैं N2 बनाने के लिए, N2 क्यों बन रहा है, लाइफ यही है भाई साहब, एयर में ही लाइफ है, वेरी गुड। हीट तो करना ही पड़ेगा, जुबैर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, चंचल वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा है, H2O फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ NCl3, बट यस आयुष, इसी को तो बोलना है, CCl4 के साथ क्यों क्यों कोऑर्डिनेट बना रहा है। चलिए,
आनंद आनंद अरविंद शर्मा, आनंद शर्मा, यस यस, नाम याद है आपका। अब एनसीईआरटी या बहुत जो ज्ञानी बुक्स है ना, ज्ञानी बुक्स जिनमें अथाह समुद्र जैसा कंटेंट दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज। एक नाइट्रोजन फैमिली के लिए 100 पेज दे दिया, बच्चे कंफ्यूज। 100 दिन तो एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं मिलता, एक नाइट्रोजन फैमिली के लिए 100 दे सकते हो क्या? नहीं। अब जो ज्ञानी बुक्स होते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि सर NH4Cl प्लस NaNO2 ये बनाता है N2 प्लस वाटर। अब मैं बोलूंगा कि N2 बनाने के लिए केवल एकमात्र तरीका है, अम्मी अजान करेंगी तभी जाके लाइफ मिलेगा, तभी N2 बनेगा। मोहम्मद तारिक बोलिए। हाँ बोलिए विकास, बोलिए प्राची। लेकिन सर अब होता क्या है, NH4Cl है एक्चुअली। आइए NH4Cl कहां से आया, देखो अब इसको एक बार ये लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। क्या मैं लिख दूं NH4 प्लस और Cl माइनस, इस वाले को कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? नहीं हुई। क्या यहां पे Na प्लस और NO2 माइनस में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। अब बस वही यार, प्लस माइनस का ये गेम चलेगा, प्लस माइनस का खेल हुआ है। अमोनियम नाइट्राइड बन तो गया, अमोनियम नाइट्राइड बनते ही अम्मी याद आई। अम्मी से क्या याद आपको दिमाग में रखना है, अम्मी का मतलब है एक तो डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, दूसरा नाइट्राइट। ठीक है, ठीक है। सीएल के पास लोन पेयर होता है दिनेश, सीएल के पास लोन पेयर होता है। आकाश शाह, वेरी गुड नेम, वेरी गुड। ऑर्गेनिक जल्द चालू करेंगे ऑर्गेनिक। आनंद मोहन, हेलो अरीन भी पढ़ेंगे। आनंद मोहन, हेलो अरीन, बहुत जल्द पी ब्लॉक इतना अमेजिंग चल रहा है, इसको उतने ही अमेजिंग वे में खत्म करते हैं और फिर अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। सो क्या ये NH4NO2 बना तो आपको अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट अम्मी अजान करेंगे। और एक और बात बताऊं, अजान जब भी होता है तो कितना पायस चीज होता है ना यार, अजान पवित्र चीज होता है, पूजा है ना यार, किसी भी धर्म की पूजा बहुत ज्यादा पवित्र है। ठीक है, तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन होता है क्योंकि अजान हो रहा है, अजाइड से बन रहा है। सो ओनली एजाइड से ही, केवल अजान को ही, केवल पूजा को ही आप पवित्र मानोगे। तो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन केवल अजान में मिलेगा, अजाइड में मिलेगा। ठीक है, अपना लाइक का टारगेट 210 है। अगर आपको चाहिए लेक्चर्स इतने बढ़िया तो ये काम आपको करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अब ये काम करने के लिए आपको ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोग आए तो फिर अपना इजिली टारगेट हो सकता है। वेरी गुड। अब आइए रिएक्शन ऑफ N2। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि N2 इनर्ट नेचर का होता है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N, चूंकि तीन तीन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, नया बॉन्ड बनाना है, नया रिएक्शन होगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड कैसे बनेगा जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे? पुराने बॉन्ड तीन तीन तोड़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट मींस सिंस ये इनर्ट नेचर के होते तो हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दूं तब तो ये टूट ही जाएगा ना यार। अब मान लो अपने औकात पे आ गए तो तोड़ के ही रहेंगे, 1000 डिग्री, 5000 डिग्री, 10000 डिग्री, टूट जाएगा। अब जब टूटेगा, पुराने बॉन्ड टूटते ही नया बॉन्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है, दैट मींस रिएक्शन विल हैपन। वेरी गुड अरविंद, आनंद, वेरी गुड शिव कुमार वर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। सो Na2 की रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगी, एक बात आपको यहां से पता लगी। ठीक है विकल्प, वेरी गुड। अब विथ मेटल्स विथ H2 विथ O2, ठीक है, जो यहां पे हैबर्स प्रोसेस विकल्प बता रहे, दैट इज विथ H2। आइए सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स देखते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्सियम, एनीवन, जो आपकी मर्जी। आपको क्या करना है, ये कैसे आपको याद रहेगा, देखो नाइट्रोजन से रिएक्शन कराना है मेटल का, ठीक है, आप आ जाओ। नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है, कोई भी मेटल हो, मान लो मैं कैल्सियम का बात करूं, कैल्सियम मेटल ले लेता हूं, दैट मींस इसका तो +2 होता है, प्लस माइनस लिखते नहीं है। क्या करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कैची कैची, Ca के साथ 3, N के साथ 2, अरे कैची समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये बात समझ आई, Ca3N2 समझ में आई? बहुत अच्छा, आया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, एब्सोल्यूटली करेक्ट थिंग यू आर डूइंग, दैट्स इट, वी हैव डन दैट। ठीक है, क्रिस क्रॉस, वेरी गुड। अब आओ
दूसरा रिएक्शन जो दिया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, वाटर से रिएक्शन कर देंगे तो क्या होगा। कई बार मैंने बताया है ना, वाटर से रिएक्शन, अगर मान लो नॉर्मल एलिमेंट है वाटर से रिएक्शन करेगा, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो भी रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, उसी का रेस्पेक्टिव एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो नाइट्रोजन का गैस, अगर फॉस्फाइड का करोगे तो फॉस्फोरस का गैस, अगर ऑक्साइड का करोगे तो ऑक्सीजन का गैस, अगर सिमिलर जो भी करते थे वहां से ऑक्सीजन का गैस मिलता था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब CaOH होल ट्वाइस तो बहुत इजीली बन जाएगा, कैसे? देखो यहां पे इजीली बनाया हुआ है, मैंने दिखा भी दिया आपको, देखो इजीली है, बहुत इजी है। देखो कैल्शियम प्लस टू में है, नाइट्रोजन माइनस थ्री में है, यहां पे H प्लस और OH माइनस है, ठीक है? ये देखो प्लस और माइनस का गेम चालू करो, Ca प्लस टू OH माइनस के साथ मिलके COH होल ट्वाइस, नाइट्रोजन H के साथ मिलके अमोनिया NH3, अगर फॉस्फोरस का करोगे तो फॉस्फाइड बन जाएगा, एंड सो ऑन, फॉस्जीन गैस रिलीज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड समीर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अब क्या लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हुआ? पहला ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दूसरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, इसी को कहते हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस। हाईली एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन के बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? वेरी गुड। आइए सब, रिएक्शन विथ N2 के बाद रिएक्शन विथ O2, इजी एज दैट यार, देखो बहुत इजी है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO बनाता है, ठीक है? सिमिलर N2O2 NO बन जाएगा। NO जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन भी लेके क्या बना लेता है, एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन लेके NO2 गैस बना लेता है। दिस इज कलरलेसलेस, दिस इज ब्राउन गैस। अब ये कलर कैसे याद रहेगा सर? कलर याद करने के लिए मैं जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, दैट मीन कल वाले लेक्चर में, तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है? वेरी गुड। ये था आपका लास्ट, डाई नाइट्रोजन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। सो जल्दी से लाइक कंप्लीट करिए, टारगेट 210 का था, ठीक है एवरीबॉडी? चलिए अब डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे किया था आपने, बताओ जरा। डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन अम्मी अजान करेंगे, अजान मतलब एजाइड, अम्मी मतलब अमोनियम का नाइट्राइड, अमोनियम का डाइक्रोमेट, और डाई नाइट्रोजन बनाना है, दैट मीन्स हीटिंग तो करना पड़ेगा। पहला डाई नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है? वेरी गुड। सिमिलर आज हमने और उसे क्या पढ़ा, और इंपॉर्टेंट ये पढ़ा था, नहीं सब बिहारी, सब और बिहारी जो है, एंटीमनी और बिस्मिथ जो है वो बोलते हैं ओ कल नहाऊंगा मैं, कल दैट मीन्स वाटर से रिएक्शन होगा SbOCl BiOCl और NCl3 रिएक्ट करके NH3 बनाता है और HOCl रिएक्ट करता है, ठीक है भाई साहब? बहुत अच्छा स्नेहा, एब्सोल्यूटली करेक्ट थिंग यू आर डूइंग, अम्मी अजान करेंगी, एब्सोल्यूटली करेक्ट मरियम खान। तो क्या आप लोगों को ये मजा आया? मजा आया तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन तो बनता है, और अभी 114 लोग फिलहाल मुझे दिख रहे हैं देखते हुए, तो कम से कम 50 शेयर्स अभी हो जाने चाहिए शेयर पे, और टैग जरूर करें। सो अरविंद, मनोज सिंह, जुबेर, चैन सिंह, प्रतीक शर्मा, एहसान खान, लियोना, जुबेर, मोहम्मद तारिक, गौरव सरकार, जिन लोगों के नाम पढ़े, प्रतीक शर्मा, जिन लोगों के नाम पढ़े, जल्दी से आप लोग शेयर करिए इसको सोशल मीडिया पे, ठीक है? टैग जरूर करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि कल मैं अनाउंस कर सकूं नाम यहां पे। सो कौन होता चाहता है यहां पे नाम उसका अनाउंस चाहे, तो वो अभी आंसर करे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।